हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोगों का सेशन लेते समय, खासकर रिलेशनशिप से रिलेटेड जब मैं लोगों का सेशन लेती हूँ, तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि इंसान की जो फितरत है ना, वो ऐसी है कि अगर आप उसको चने के झाड़ पर चढ़ा देते हो ना, बहुत तारीफ़ कर देते हो, बहुत ज़्यादा केयर दिखा देते हो, तो इंसान अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा और ज़्यादा ही स्पेशल समझने लगता है। और आपकी इज्जत करना या आपको प्यार देना कम कर देता है। मैं यहाँ पर जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, सबके लिए नहीं है, लेकिन जनरली मैंने ये चीज़ देखी है, क्योंकि जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे ना, वो लोग मेरे साथ रेजोनेट कर पाएंगे। बहुत लोग यही बोलते हैं कि मैंने सब कुछ करा है प्यार में, बहुत कुछ दिया है प्यार में, मतलब इतना किया है ना अपने पर्सन के लिए कि तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन फिर भी उस पर्सन को मेरे लिए आज फीलिंग नहीं है, वो पर्सन आज मेरी कदर नहीं करता है, उस पर्सन ने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया, समय नहीं देता है, यही सारी शिकायतें। और आप लोग टैरो कार्ड रीडर से कंसल्ट करते हो या रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हो और परेशान रहते हो, लेकिन गलती किसकी होती है? उस पर्सन की, जिसने आपके प्यार की कदर नहीं की। यहाँ पर आप बिल्कुल तरीके से, मतलब सही होते हो हर तरीके से, क्योंकि आपने तो सब कुछ दिया, आपने तो पैसों से भी मदद की, प्यार भी बेशुमार किया, अपना सारा वक्त उस पर्सन को दे दिया, हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा उसकी मदद की, लेकिन आज आप दुनिया भर से मदद मांग रहे हो और बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जीज में हो, बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज में, और उसका कारण है वो पर्सन जिसको खुश करने के लिए आपने सब कुछ किया, आज उसने ही आपको सबसे ज़्यादा दुख दे दिया। रोज़ मैं ऐसे लोगों से डील करती हूँ, तो वो लोग यही बोलते हैं कि मेरी गलती क्या है, मुझे बता दे कोई, तो मैं बता देती हूँ क्या है आपकी गलती। आपकी गलती ये है कि आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया। और अक्सर हम यही करते हैं, हम एक इंसान को जो कुछ नहीं है, सिंपल सा पर्सन है, दूसरा कोई इंसान अगर उसको देखे या उसके बारे में अगर हम उसके किसी दूसरे इंसान से राय लें अपने पर्सन के बारे में, तो शायद वो बोले हाँ ठीक है, ऑर्डिनरी इंसान है, कुछ ऐसा स्पेशल तो उसमें है नहीं। लेकिन हमारी नज़र से कोई देखे तो हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान दुनिया का सबसे प्यारा इंसान, सबसे खूबसूरत इंसान, एंड इसके अलावा तो इससे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं। तो अच्छी बात है, जिससे आप प्यार करते हैं वो आपकी नज़र में होना भी चाहिए एक अलग ही लेवल का इंसान, बहुत ही स्पेशल इंसान। लेकिन गलती क्या होती है कि हम उस इंसान से ये बयां कर देते हैं, उसको ये जाहिर कर देते हैं कि तू बहुत ज़्यादा स्पेशल है। पता नहीं कहाँ का कलेक्टर है या क्या ही है, चने की झाड़ पर उसको चढ़ा दिया जाता है और ये गलती आप कर देते हो। और वो इंसान सोचता है, अरे मैं तो कुछ हूँ, समथिंग, कुछ तो स्पेशल है मेरे अंदर, जो ये पर्सन मुझसे इतना प्यार करती है या इतना प्यार करता है, ना पैसों की परवाह करता है, ना समय की परवाह करता है, हर पल हर दम मेरे साथ रहता है, इसका मतलब कुछ तो बात है मुझ में। और यही है मनुष्य प्रवृत्ति, जब उसको ये एहसास होने लगता है कि मैं कुछ हूँ, तो जो मैं वाली फीलिंग आती है ना, ये मैं ही कल्याण कर देती है, ये मैं ही सब कुछ गड़बड़ कर देती है। और वो इंसान फिर उसको लगता है, यार मेरे अंदर तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो ये लड़का लड़की पागल है, इसका मतलब मैं तो बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। और फिर वो इंसान अपनी औकात भूल जाता है, वरना उसकी कोई औकात नहीं है। सीरियसली, उसको कोई ना पूछे अगर आप उसको स्पेशल फील ना कराएं, या जिसको भी हम प्यार करते हैं उसको बहुत स्पेशल फील ना करें, दूसरे की नज़र में देखो तो अब उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन हमने उसको बना दिया। और जब हमने उसको बना दिया तो वाकई में वो चढ़ गया, और इतना चढ़ गया कि उसी ने उस आपको वहाँ से नीचे गिरा दिया, और आप दर्द से आज करा रहे हो और वो इंसान मज़े ले रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो स्पेशल स्पेशल फील कराने के चक्कर में अपना समय, अपना तन मन धन किसी दूसरे को दिए जा रहे हो ना, इसको अपने तक सीमित रखो। वो पर्सन स्पेशल नहीं है कि आप उसको प्यार करते हैं,
आप स्पेशल हो, यू आर स्पेशल। ये अपने आप को जो आपने बहुत ज़्यादा छोटा इंसान मान लिया ना, ये गलती करते हो। जो आप बोलते हो ना, मैंने क्या गलत किया, मैंने तो सब कुछ दे दिया, यही तो गलती करती कि आपने सब कुछ दे दिया। क्यों दे दिया, क्यों दे दिया आपने, वो डिज़र्व नहीं करता था। खुद से डिसकनेक्ट होना जस्ट बिकॉज किसी और से कनेक्टेड रहो, आज क्या हाल है ना। आप उस इंसान से कनेक्टेड हो, उसने डिसकनेक्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, भाग गया किसी और के साथ या जो भी किया, और आज खुद भी आप किस अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो, खुद से भी प्यार नहीं कर पा रहे हो। तो ये गलती ना करिए, स्पेशल फील कराइए ऑफकोर्स किसी पर्सन को जिससे हम प्यार करते हैं, हमारा दिल करता है, उसके लिए कुछ अलग करें, उसको स्पेशल फील कराएं, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में लाइए कि यू आर स्पेशल, आप सबसे स्पेशल हो, आप प्रायोरिटी हो अपनी, यू आर नंबर वन अपने लिए, उसके बाद वो पर्सन आता है। ताकि कल को अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाता भी है तो भी ये सिर्फ ये पर्सन जाएगा, आप इसके साथ नहीं जाओगे, आप वहीं के वहीं रहोगे खुद से कनेक्टेड। अभी क्या हो रहा है, ये पर्सन तो चला ही गया, आपको भी लेकर चला गया, अब आप उस पर्सन के भी नहीं रहे और खुद के भी नहीं रहे। तो ये गलती अपनी ज़िंदगी में, अपनी रिलेशनशिप में खासकर कभी मत करना। किसी और को खुश करने के लिए, किसी और को अपनी ज़िंदगी में हमेशा शामिल करने के लिए अपने आप से डिस्कनेक्ट मत होना, नहीं तो फिर सिर्फ पछतावा रह जाएगा। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।